आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है दो मुंह वाला पक्षी। एक जंगल में एक सुंदर सा पंछी रहता था। यह पंछी अपने आप में बेहद अनोखा था क्योंकि इसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के बाद भी इसका पेट एक ही था। यह पंछी यहाँ वहाँ घूमता, कभी झील के किनारे तो कभी पेड़ों के आसपास। एक दिन की बात है, यह पंछी एक सुंदर सी नदी के पास से गुजर रहा था कि तभी उसमें से एक मुंह की नज़र एक मीठे फल पर पड़ी। वो वहाँ गया और फल को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फल तोड़ा और उसे खाने लगा। फल बेहद मीठा और स्वादिष्ट था। उसने फल खाते हुए दूसरे मुंह से कहा, यह तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है, बिल्कुल शहद जैसा, मजा आ गया इसे खाकर। उसकी बात सुनकर दूसरे मुंह ने कहा, मुझे भी यह फल चखाओ, मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। पहले मुंह ने कहा, अरे तुम इसे खाकर क्या करोगे, मैंने कहा ना कि यह एकदम शहद जैसा है और वैसे भी हमारे पेट तो एक ही है ना, तो मैं खाऊं या तुम, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे मुंह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि कितना स्वार्थी है। उसने पहले मुंह से बात करना बंद कर दिया और मन ही मन उससे बदला लेने की ठानी। कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत बंद रही। फिर एक दिन जब वो कहीं घूम रहे थे तभी दूसरे मुंह की नज़र भी एक फल पर पड़ी। वो फल जहरीला था। उसने सोचा कि बदला लेने का यह सही मौका है। उसने कहा, मुझे यह फल खाना है। पहले मुंह ने कहा, यह बहुत ही जहरीला फल है, इसे खाकर हम मर जाएंगे। दूसरे मुंह ने कहा, मैं इसे खा रहा हूँ, तुम नहीं, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले मुंह ने कहा, हमारे मुंह भले ही दो हैं लेकिन पेट तो एक ही है ना, तुम खाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे, इसे मत खाओ। लेकिन पहले मुंह ने एक ना सुनी और उसने वह जहरीला फल खा लिया। धीरे धीरे जहर ने अपना असर दिखाया और वह दो मुंह वाला अनोखा पंछी मर गया। सीख: स्वार्थ से बचकर एकता की शक्ति को पहचानना चाहिए। स्वार्थ हमेशा खतरनाक होता है, जबकि एकता का फल बहुत अधिक होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी दो मुंह वाला पंछी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह ब्रॉडकास्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।